हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा, उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे एंड करेक्टली भी। तो ध्यान से देखो, मैंने एक इन जनरल रिएक्शन लिया है, 2a plus b gives you c plus d, राइट। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसको मैंने बहुत अच्छे से लिस्ट आउट किया है। ध्यान से देखो कि अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगा कि सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, डैट मीन्स ए और बी के बारे में इस केस में अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका मास या मोल्स या प्रेशर कुछ भी या कंसंट्रेशन गिवन है, तो इन डैट केस रिएक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड में जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। सिमिलरली सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता लगा, तो डेफिनेटली उस केस में रिएक्शन बैक में जाएंगी। डैट मीन्स सी और डी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए और बी के बारे में गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्शन बैक में जाएंगी, राइट। और एक केस क्या हो सकता है कि सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए बी सी डी सब के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इन दैट केस आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जरूर गिवन होगा, क्योंकि उसी से हमें कंपेयर करना है, उसको आइडियल पर्सन मानना है, राइट। जैसे यहाँ पे ए का 5 है, बी का 1/5 है कॉन्सेंट्रेशन, सी का 4 है, डी का 4 है, ऐसा कुछ दिया आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले रिएक्शन कोशेंट क्यों निकालेंगे, डैट इज वेरी सिमिलर टू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जैसा ही है, ओनली थिंग इज कि ये किसी भी कंसंट्रेशन पे पुट कर सकते हैं और के इक्विलिब्रियम वाला सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को पुट करना होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर 1, सी पावर 1, ए का पावर 2, बी का पावर 1, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा, सिर्फ आप ये वैल्यू जो गिवन होंगी सबका वो पुट कर देंगे, तो ये आ रहा है 3.2 के आसपास। इस वैल्यू को कंपेयर करना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से, चूँकि ये वैल्यू लेस है, कम है, तो अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा, तो इसलिए वैसे ही ध्यान में रखना है। अगर क्यू आपका के इक्विलिब्रियम से कम हो गया तो अभी आगे जाना है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर मान लो बाय द वे ज़्यादा आ जाता तो रिएक्शन को बैक में आना पड़ेगा, और अगर इक्वली आ जाता तो इक्विलिब्रियम पे होता। तो ये वेरी सिंपल है, आपको इस तरीके से मानना है कि ये एक पॉइंट है, डैट इज के इक्विलिब्रियम, तो अगर क्यू आपका इधर इसके पीछे ही रह गया तो अभी और आगे जाएगा तो फॉरवर्ड, अगर क्यू आगे निकल गया तो बैक में आएगा तो बैकवर्ड, और अगर क्यू यहीं पे है तो इक्विलिब्रियम पे, राइट। वेरी सिंपल है ये, तो ये तीन केसेज हो सकते हैं, राइट। दूसरा केसेज कैसा हो सकता है कि रिएक्शन आपके ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे थी, उसके बाद आपने कुछ ऐड किया या कुछ सबट्रैक्ट किया है, तो वो कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। पहला कि अगर रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे था, अब हम कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में चेंज कैसे कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर करके, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, मोल्स को चेंज कर रहे हैं, राइट, या मास को चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे इस तरीके से, तो उस केस में रफ़ी सर का एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, जिस साइड कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा उसी साइड रिएक्शन शिफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंसंट्रेशन डी का बढ़ा दिया तो इस साइड में प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा हो रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में, क्योंकि इस साइड कम हो रहा है। मान लो इधर हमने बी का ज़्यादा कर दिया तो रिएक्टेंट में ज़्यादा हो रहा है, तो रिएक्शन किधर आ जाएगी, फॉरवर्ड में, जिस साइड ज़्यादा हो रहा है उसके अपोजिट साइड में, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, जिस साइड कम होगा उसी साइड रिएक्शन को करना है। एक और एग्जांपल समझो, अगर मैंने डी का कंसंट्रेशन कम कर दिया तो इधर ही कम हो रहा है, राइट, तो प्रोडक्ट साइड में कम हो रहा है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड माना पड़ेगा, जिस साइड कमी हो रही है उस साइड आपको ले जाना रिएक्शन को, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पहले उस रिएक्शन का था और बाद में, दोनों सेम रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। क्लियर पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 कि अगर प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करें तो क्या होगा, तो दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है कि प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, राइट, एंड वाइस वर्सा। तो मैं प्रेशर का कंडीशन समझा दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम सब कर लेंगे। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस साइड रिएक्शन को ले जाना है जिस साइड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम हो रहा है, और कौन सा, गैस वाला सिर्फ लेना है, सिर्फ गैस वाला कंसिडर करना है। तो आप प्रोडक्ट साइड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लो, रिएक्टेंट साइड का निकाल लो, और देख लो किस साइड में कमी है, तो उस साइड आपको ले जाना है। ध्यान रहे ये डाउन एरो मतलब डिक्रीज का, बट अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो वो पहले जो था बाद में भी वही रहेगा। यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने से क्या मतलब है कि पहले अगर रिएक्शन 1 atm पे हो रही थी तो अब आपने 2 atm कर दिया, 3 atm एंड सो ऑन, राइट। तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, उसके लिए हमने सिंपल ट्रिक दिया है कि आप रिएक्टेंट साइड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड कर लें, और कौन सा, सिर्फ गैस वाला, चूँकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो बाय द वे सब गैस है, अगर कोई सॉलिड होता लिक्विड होता तो उसको नहीं लेते, तो अगर सब गैस है तो इसका स्टोइकोमेट्री 1
और इसका भी 1, तो टोटल इस साइड कितना हो गया 2, और इस साइड काउंट करो 2 है और इधर 1, तो टोटल कितना है 3। ये पॉइंट का मतलब है, राइट। लिख लेंगे प्रेशर बढ़ाने पे उस साइड जाएगा जिधर स्टोइकोमेट्रिक कम, इधर 3 है इधर 2 है, तो किस साइड कम है, इस साइड, तो रिएक्शन को इस साइड ले जाना, इस साइड मतलब फॉरवर्ड हो गया, राइट। ऐसे आपको करना है, तो एक ही पॉइंट ध्यान रखो, प्रेशर इंक्रीज कराने पे उधर ले जाना जिधर स्टोइकोमेट्रिक कम, डैट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज करने पे भी उधर ले जाना जिधर स्टोइकोमेट्रिक कम, एंड अगर प्रेशर कम करते तो उधर ले जाते जिधर स्टोइकोमेट्रिक ज़्यादा, इसका जस्ट उल्टा कर देना है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। सिमिलरली इनर्ट गैस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इनर्ट गैस का क्या मतलब है, वो नोबल गैस तो है ही, प्लस वैसी सारी गैस जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करे वो सब इनर्ट गैस की कैटेगरी में आएंगी। तो इनर्ट गैस को ऐड करने के दो तरीके हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज नो इफेक्ट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, बट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप ऐड कर दो इनर्ट गैस, तो इन दैट केस रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी और किस साइड जाएंगे, जिस साइड स्टोइकोमेट्री ज़्यादा हो। अगेन स्टोइकोमेट्री कौन सा लेना है, गैस का, तो ध्यान दें यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाने पे उधर जा रहा है जिधर स्टोइकोमेट्री कम, लेकिन इनर्ट गैस के केस में अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करो तो फिर उधर जाएगा जिधर स्टोइकोमेट्री ज़्यादा हो रहा है। जैसे इस केस में अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूँ तो स्टोइकोमेट्री इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो रहा है, इधर 2 है इधर 3, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएंगी, बैकवर्ड में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करूँ तो कैटलिस्ट ऐड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे, राइट। क्यों? क्योंकि जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड में बढ़ती है उसी रेट से बैकवर्ड में भी, इसलिए नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं। तो चेंज क्या होता है, जस्ट जो रिएक्शन के कंप्लीशन का टाइम है, पहले अगर 10 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट होती हो रही थी तब वो हो सकता है कि 5 मिनट में हो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो, यार नेगेटिव है तो हो सकता है वो 15 मिनट में हो, डैट मीन्स टाइम बढ़ जाएगा बट कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इस पॉइंट को अच्छे समझ लेना, कैटलिस्ट में नो इफेक्ट है, इनर्ट गैस में कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो उधर ले जाना जिधर स्टोइकोमेट्री ज़्यादा हो रहा है। स्टोइकोमेट्री कौन सा काउंट करना है, ओनली गैस का, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं। प्रेशर डायरेक्ट या वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कराओ या वॉल्यूम डिक्रीज कराओ, उधर ले जाना जिधर स्टोइकोमेट्री कम, और कंसंट्रेशन के केस में जिस साइड कमी हो रही है उसी साइड रिएक्शन जाएगी। इन सारे केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करना है क्योंकि अभी तक हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया। अब हम बात करते हैं जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रिएक्शन आपकी कैसी है, इंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन है ये कैसे पहचानेंगे कि ए प्लस बी और रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखा होगा, तो डैट मीन्स ये इंडोथर्मिक है क्योंकि हीट ले रहा है। या फिर इसी रिएक्शन को ऐसे भी ले सकता है, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी माइनस हीट, तो इसका मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो वही हो जाएगा प्लस हीट, तो ऐसे भी दे सकता है। या फिर रिएक्शन दे करके उसके बाद बोल दे कि डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका, पॉजिटिव में कोई वैल्यू दे दे, मान लो 40 किलो जूल पर मोल, ऐसा प्लस में वैल्यू गिवन है, तो ये सब बता रहा है कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है। या फिर ग्राफ से भी पहचान सकते हैं आप, क्योंकि जो डेल्टा एच होता है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, डैट मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पे अनस्टेबल होगा ये वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट की कम है, तो ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव आएगा। तो इस टाइप से आपको पहचान हुआ सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि चूंकि इंडोथर्मिक है, हीट रिक्वायर्ड है, तो अगर आप टेम्परेचर दोगे हीट दोगे तो ऑब्वियस बात है अगर किसी को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो दे रहे हो तो सपोर्ट करो आगे जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगी। और ये वो केस है जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा और बढ़ जाएगा, पहले वाले से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर हमने चेंज किया है। सिमिलरली अगर एक्सोथर्मिक है तो वेरी सिंपल, कैसे पहचानेंगे, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, प्रोडक्ट साइड में हीट प्लस में होगा या रिएक्टेंट साइड में हीट माइनस करके लिखा होगा, या फिर डेल्टा एच नेगेटिव होंगे लाइक माइनस में 40 किलो जूल ऐसा करके लिखा हो, राइट। या फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो कम होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, डैट मीन्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, तो यहाँ से देख सकते हो ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये सब से आप पहचान सकते हो कि एक्सोथर्मिक है, चूँकि हीट इसको चाहिए नहीं, हीट रिलीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे हीट रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे हीट गेन हो रहे हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसको हीट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, टेम्परेचर की थी नहीं, आप दे रहे हो तो वेस्ट जाएगा एक तरह से समझ सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएंगे।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर किसी एक टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 गिवन हो, T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 क्या होगा, तो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं लॉग ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H, वो आपको इंथैल्पी गिवन होगा। 2.303 क्यों लिया, क्योंकि लॉग विथ बेस 10 में ये R गैस कांस्टेंट है, 1/T1 माइनस 1/T2, तो इससे हम निकाल सकते हैं। नाउ हम अब इस पे बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ एप्लीकेशन, मान लो इस टाइप से एक रिएक्शन गिवन थी, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस। तो यहाँ से क्या समझ में आया, हीलियम क्या हो गया, इनर्ट गैस हो गया, ना तो ये रिएक्टेंट से रिएक्ट करेंगे ना ही प्रोडक्ट से। तो हीलियम गैस किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आपको बता रखा हूँ नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ऐड करेंगे तो इफेक्ट होगा, और उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री ज़्यादा हो। तो पहले ध्यान से देखो, कुछ नहीं मेंशन है तो मतलब सब गैस है, इधर स्टॉइकोमेट्री 1 और 1, तो टोटल इधर 2 हो गया और इधर 1 ही है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने से उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री बढ़ रहा हो, तो देख लो इधर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इधर 1 इधर 2, तो रिएक्शन किधर चली जाएंगी, फॉरवर्ड में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी भी वही रहेगा, वो तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से रिएक्शन दे सकता है, डेल्टा H इसका नेगेटिव है, आपको डिफरेंट कंडीशन गिवेन है, नंबर ऑफ फैक्टर विच इंक्रीज यील्ड ऑफ SO3। SO3 बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन को फॉरवर्ड में लाना है, क्योंकि SO3 किधर है, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाना है, उसी को बोलने का नया तरीका। अब ये केसेज को, तो टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, तो चूंकि यहाँ पे ये डेल्टा H नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो नहीं होगा, डिक्रीज करने पे होता है, राइट। सिमिलरली प्रेशर इंक्रीज करने पे उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री कम हो रहा हो, यहाँ ध्यान से देखो स्टॉइकोमेट्री 2 और इधर 1, टोटल इधर 3 है इधर 2, राइट, सब गैस में क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री कम हो रहा है, इधर 3 है इधर 2, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड में जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। एडिशन ऑफ SO2, रिएक्टेंट में ऐड कर रहो, तो जिधर कम होगा तो कम किधर हो रहा होगा, इधर अभी बताया था, तो इसलिए ये भी हो जाएंगे। एडिशन ऑफ O2, अगेन इधर ऐड हो रहा है तो इधर कमी हो रही है, जिस साइड कमी हो रही है उस साइड जाना है, तो ये भी हो जाएंगे। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है ध्यान देना, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करने पे उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री बढ़ रहा हो, तो किधर जाएगा, बैक में, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए कितने हो सकते हैं टोटल 3, तो इसका आंसर इंटीजर टाइप में कितना हो जाएगा 3। तो इस टाइप से पूछा जा सकता, मैंने एक में लेकर के सब आपको समझा दिया है, बस रफ़ी सर का वो ट्रिक ध्यान में रखना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और हर बार इस पर बेस्ट क्वेश्चन रहते ही हैं। सिमिलरली इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच केस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाना है, राइट, प्रोडक्ट फॉर्म होने का मतलब, और वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज, तो अभी बताया वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब क्या हो गया, प्रेशर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। हमने वॉल्यूम पे कोई केस ही नहीं लिया, डायरेक्ट प्रेशर पे लिया था, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो किधर जाएगा, जिधर स्टॉइकोमेट्री इंक्रीज हो रहा हो, क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पे उधर जा रहा था जिधर स्टॉइकोमेट्री डिक्रीज हो रहा हो, तो यहाँ पे उल्टा किए तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट। तो आप स्टॉइकोमेट्री चेक करो, गैस 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 और ये लिक्विड है, तो ये नहीं लेना, इधर टोटल 4 हो गया, इधर 4 और 5 9 है, राइट, तो किधर जाएगा, जिधर स्टॉइकोमेट्री इंक्रीज हो रहा हो, तो इस साइड आएगा, राइट, इस केस में, बट हमें फॉरवर्ड में ले जाना क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली इस केस में चेक करो, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये 2 और इधर 1, टोटल इधर 3 है, इधर 2, तो 2 से 3, राइट, स्टॉइकोमेट्री उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, डैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, राइट। इधर केस में देखो, इधर 2 है, इधर 3 है, राइट, तो इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन बैक में आएंगी। और इस केस में ध्यान से देखो, सॉलिड है और गैस है, तो इधर कुछ भी नहीं है, तो 0 और इधर 1 है, तो इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि स्टॉइकोमेट्री इंक्रीज हो रही है। नाउ फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में कैसे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिर्फ फेज चेंज होंगे, राइट, केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होगा, जैसे वाटर H2 इधर भी है इधर भी है, सिर्फ यहाँ लिक्विड है तो यहाँ सॉलिड है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए वेरी सिंपल है, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते भी हो अपनी आंखों से, वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि विनो के जब मैं सॉलिड को हीट करूंगा तो लिक्विड में जाएगा, राइट,
तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगा ऑलवेज जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में जाएगा, तो लिक्विड से गैस की तरफ जाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में, राइट। ये सब जानते हैं, राइट, वेरी सिंपल। और प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो उधर ले जाना जिधर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा हो, ये है ट्रिक का पॉइंट। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अगर वाटर लिक्विड से वाटर गैस, ये आपको इक्विलिब्रियम है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊं तो आपको क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज कराऊंगा तो लिक्विड गैस में जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन बताना है। प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो अभी बताया जिधर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, इधर गैस है इधर लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन किधर चली जाएंगी, बैकवर्ड में, राइट, क्योंकि आपका वो उस साइड में। सिंपल, एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि वाटर लिक्विड और वाटर सॉलिड में एक्सेप्शन है, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है सॉलिड से। अगेन इसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, आप पानी में जब आइस को रखते हो तो वो फ्लोट करने लगता है, इसका मतलब वो कम डेंसर है। तो यहाँ पे दुनिया का एक पहला एक्सेप्शन यही है कि वाटर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर सॉलिड से, इसलिए ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको गलती होने के चांसेस है। अदरवाइज जितने भी केसेज हैं सॉलिड ज़्यादा होगा डेंसर देन लिक्विड, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो इस पे बेस्ट प्रॉब्लम एक और मैंने यहाँ लिया, कैसे पूछा जाएगा, वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड ये इक्विलिब्रियम में अगर है तो टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो वी नो टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, तो सॉलिड लिक्विड में मतलब इधर जा रहा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, कुछ भी आपको नहीं करना बेटा। बट प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो किधर, जिधर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा, चूंकि वाटर सॉलिड से ज़्यादा डेंसिटी है वाटर लिक्विड की, तो ये भी इधर की तरफ आ रहा है, तो इस केस में भी रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, बैकवर्ड में, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये कंडीशन लूँ, सेम ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो, राइट, तो यहाँ पर भी रिएक्शन आपका बैकवर्ड में आएगा। बट प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो जिधर डेंसिटी ज़्यादा होगा यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इस साइड जाना पड़ रहा है तो रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में। तो यहीं पे आपको बस दिक्कत हो सकता है, उसका ध्यान रखना। तो आई होप मेरा यह प्रयास डायरेक्शन वाला आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए हो तो किसी भी PYQ प्रॉब्लम को आप इजिली कर सकते हो। थैंक यू।